हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड अयोध्या। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घरों में चावल बच ही जाता है, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए, क्योंकि सबके घरों में थोड़ा बहुत चावल बच जाता है। तो ये शाम का बना हुआ चावल है, तो हम इसे तोड़कर कुकर में रख देंगे और पानी डाल देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक इसका हम वेट करेंगे। उसके बाद ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए इस तरीके से चावल गल गया है। अब हम किसी कलछी से अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और बिना मेहनत के ही बन जाती है। ज़्यादा इसमें कुछ भी तामझाम नहीं करना पड़ता, आसानी से आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक और फ्लेवर के लिए डाल देना है अजवाइन। तो थोड़ा सा अजवाइन डालकर मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद किसी दूसरे बर्तन में इसे निकाल देंगे, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाए और जल्दी जल्दी से हम इसे बना लें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है। अब हम ले लेंगे नमकीन बनाने वाला एक जार और मोटी वाली जाली लगा देंगे और जार में थोड़ा सा तेल भी लगा देंगे। और जो आप ढक्कन देख रहे हैं, उस पर भी हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, जिससे कि आसानी से हमारी नमकीन अलग हो सके। और इस तरीके से हम इसमें जितना आ जाएगा उतना इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है और कितनी आसानी से बन रहा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अब हम ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर हल्के हाथों से बनाएंगे, बिल्कुल भी इसमें ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। आप चाहें तो छत पर डायरेक्ट ही कोई पॉलीथीन बिछाकर उसके ऊपर बना सकते हैं। और मैंने इस तरीके से बर्तन पे बना लिया है, बर्तन को उठाकर धूप में रख देना है। और देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से बन रहा है और एक ही दिन में ये सूख भी जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हम इसी तरीके से सारा पहले बना लेते हैं। तो आप फ्रेंड्स डायरेक्ट चावल से भी बना सकते हैं। चावल में ढेर सारा पानी डाल दीजिए, उसके बाद तीन चार सीटी आने तक वेट कीजिए और जब अच्छे तरीके से उसमें से सीटी निकल जाएगी तब कलछी से मैश करके इस तरीके से बना सकते हैं और बहुत आसानी से बन जाता है। चाय के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये देखिए, एक बड़े ढक्कन पे बना है, उसके बाद इतना प्लेट पर भी बना है और इतना थाली पे। और चावल आपने देखा था कितना थोड़ा सा था और हमने इसे छत पे ले जाके रख दिया और अच्छी तरीके से सूख गया है। और अब हम इसे तलकर आपको दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा बना है। और तेल हम बिल्कुल धुआंधार गर्म करेंगे, कम हीट में हम इसे नहीं तलेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल ऑयली हो जाएगा और फूलेगा भी कम। तो तेज़ गर्म रहेगा, बिल्कुल धुआंधार तेज़ गर्म तेल में इसे तलेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और जल्दी जल्दी से हम इसे निकालते जाएंगे और बहुत जल्दी तल जाता है। तो ये देखिए सारा हमने तल लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा टेस्टी बना है और कितना ढेर सारा बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी एकदम क्रिस्पी है और ऑयली भी नहीं है, बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। यकीन मानिए, आप एक बार बना लेंगे तो आप चावल बार बार बचाना चाहेंगे और इसे हमेशा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूजफुल लगा होगा ज़रा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।